12 अभ्यास है, ये योगाभ्यास करके पसीना बहाएंगे। देखो अभी पसीना आ गया है, सर्दी में भी पसीना आ रहा है। ऐसे 10-10 बार करके 2 राउंड के, फिर देखो अगला है इसका अभ्यास है, इसको राम मूर्ति बोलते हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे आगे, ऐसे ये ऐसे। मीनाक्षी थकना नहीं है अभी आपको। 10-10 बार करें ऐसे और बड़े मजबूत हो गए मीनाक्षी जी भी। फिर अगला होगा अभी, चलो। और ऊपर से आप लड्डू भी भेजने वाले हैं अब, गोंद वाले। अब लड्डू खाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पसीना बहाना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, कुछ सवालों की शुरुआत कर लेते हैं। एक एग्जांपल तो मैंने, हाँ ले लो शुरुआत ले लो। अभी तो हनुमान दंड भी चलेगी साथ साथ, ले लो सवाल ले लो आप। स्वामी जी, आज हम हालांकि वजन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक माँ अपने बेटे के बढ़े हुए वजन से परेशान है, इसलिए हम उनका सवाल भी शामिल कर रहे हैं। राज लक्ष्मी का सवाल है कि उनके उनका जो बेटा है उसका वजन 120 किलो है, और आपका शो इंडिया टीवी पर देखने के बाद वो अपने बेटे को अश्वगंधा दे रही हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि आप अश्वगंधा जो है वो अक्सर वजन बढ़ाने के लिए बताते हैं, तो क्या ये अश्वगंधा देना उनका सही है और उन्हें क्या करना चाहिए, जरा बता दीजिए। उनको अश्वगंधा, ये देखो ये रहा, इसका पत्ता देना चाहिए। अश्वगंधा का चूर्ण तो अभी मैंने बताया था ना सुशांत को, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, ये तो खाने से वजन बढ़ता है। और ये अश्वगंधा के पत्ते 5-5 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिलाए, गोधन अर्घ पिलाए, मेदो हरबटी, त्रिफला बटी, ये 2-2 गोली खिला दे, इससे वजन घटेगा। और चलो वजन बढ़ाने के लिए तो दंड पूरी बताएंगे, वजन घटाने के लिए ऐसे ये 100 बार तो ये किया करें, कम से कम कम से कम 5 अभ्यास। तो अश्वगंधा वो दे रही हैं, वो गलत कर रही हैं स्वामी जी। फिर हाँ, अश्वगंधा चूर्ण नहीं दे, अश्वगंधा के पत्ते खिलाए। और ये अभ्यास जो अभी बता रहे हैं ऐसे सिद्धकोणासन, ये भुजंगासन, ऐसे वजन बढ़ाने के लिए तो हम पूरा करवाते हैं, पूरा ऐसे ये डिप्स लगाते हैं ऐसे 25-25 बार। फिर उनको ऐसे लिटा करके ऐसे भुजंगासन 100 बार करा दिया करें, 25-25 करके 4 बार में। फिर सीधे लिटा करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे पूरे पैर उठाए, पूरे नीचे लेके आए, पूरा गोल गोल घुमाया, पादवृत्तासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरी ओर से ऐसे ऐसे। और फिर ये चक्रिकासन तो घटाने का भी बता दिया जी। गौरव खंडेलवाल ये पूछ रहे हैं कि वो वजन बढ़ाने के लिए लगातार केला और दूध ले रहे हैं, लेकिन तब भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। ये अपवाद है, क्योंकि सुशांत बता रहे थे केले खा के उन्होंने अपना वजन बढ़ाया है। स्वामी जी बताएं। तो केला, हाँ इसमें 5 चीजें ले ले, केला ले ले 2 से 4, जिनको कफ कोल्ड है अस्थमा वो ना लेना केला, केला ले ले, दूध में खजूर ले ले, खजूर, खजूर का तो शेक बहुत अच्छा बनता है, खजूर पी ले, दूध में थोड़ा 1-2 ग्राम हल्दी और शिलाजीत पी ले लें, और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली ले लें। तो ये कंप्लीट पैकेज हो गया, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली 1-1 चम्मच ले ले, खजूर ले ले, दूध में 1-2 बूंद शिलाजीत डाल लें, और उसमें फिर मधुरम या शहद डाल करके दूध में पी ले, और च्यवनप्राश भी ले लें।